फर्टिलाइजेशन निषेचन शुक्राणु की अविश्वसनीय बाधाओं का सामना करके अंडे से जुड़ने की और एक नए मानव जीवन को जन्म देने की कहानी है। यह हम सभी की कहानी है। निषेचन होता क्या है? संभोग के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लाखों शुक्राणु या तो योनि से उसी टाइम बाहर निकल जाते हैं तथा कुछ दिनों के लिए खुलती है। उसी टाइम ये जो शुक्राणु होते हैं गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करते ही गर्भाशय ग्रीवा के में म्यूकस सब्सटेंस होता है, जिसके कारण कुछ शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करते हैं तथा कुछ जो कमजोर शुक्राणु होते हैं सर्विक्स म्यूकस के कारण या म्यूकस सब्सटेंस के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन मैं हजारों से अधिक शुक्राणु को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। फिर बचे हुए शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर की सिलिया जो अंडे को मूव करके गर्भाशय के करीब धकेलती है तथा कुछ शुक्राणु सिलिया में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। आखिरकार कुछ शुक्राणु अंडे तक पहुँचते हैं, मतलब 300 मिलियन शुक्राणुओं में से कुछ ही 100 शेष रहते हैं। जब शुक्राणु अंडे तक पहुँचता है तो अंडे की दो लेयर को पार करके अंदर पहुँचना होता है। दो लेयर यानी जोना पेलोसुडा एंड रेडिएटा।